एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली बेसिस पे आप कैसे मेकअप क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपको न्यूड मेकअप करना है तो आप इस लुक को ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको ना लाइक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज का मेकअप बाय करना है या फिर आप बहुत ही कम बजट वाला मेकअप ट्राई करना चाहते हो तो आप इस लुक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज किए हैं वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल हैं। एंड आप देख सकते हो बहुत ही न्यूट्रल एंड न्यूड सा मेकअप है। तो न्यूड मेकअप लवर हो मेरी तरह तो आप इस लुक को तो ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना, कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो मेकअप स्टार्ट करते हैं। एंड अभी आप देख सकते हो मेरा फेस पूरी तरीके से क्लीन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ग्रीन टी टोनर जो की है गुड वाइब्स का। एंड अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखते हो ना तो आपको पता होगा ये टोनर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। जस्ट इस तरीके से ना मैं इसको डैप डैप करके छोड़ दूंगी और ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सी दिस। ओके, सो टोनर हो गया। फॉर द मॉइस्चराइजर आई हैव दिस जॉय का व्हाइट एक्सपर्ट ब्राइटनिंग सीरम क्रीम। एंड ये ना मैंने अभी न्यू परचेज किया है, काफी अच्छा है। एंड इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा थिक मुझे लगा, क्योंकि फेस पे जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो ये थोड़ा सा ऐसा ना लाइक बहुत ही जल्दी ये मैट हो जाता है। मैट से ना आई मीन कि जिन लोगों ने फेयर लवली ट्राई किया होगा उन्हें पता होगा कि जब वो उसे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद बहुत ड्राई ड्राई सा फेस लगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही। बट उसके बाद भी ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ओके, सो मॉइस्चराइजर के बाद ना मैं प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ। एंड प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी का प्राइमर यूज किया है, क्योंकि ये ऑयल फ्री प्राइमर है एंड मुझे ये प्राइमर बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज मेरी स्किन भी ऑयली है, मैं बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा चिक के पास, थोड़ा सा चिन पे एंड फोर हेड पे, आप चाहो तो पूरे फेस पे भी अप्लाई कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड मैं हल्का सा इसको इस तरीके से ना आईज पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, आईलिड पे। इससे आपका आई मेकअप भी काफी ज्यादा स्मूथ होता है, बिना प्राइमर के आपका मेकअप जो है ना वो केकी दिख सकता है। ओके, सो प्राइमर डन। एंड प्राइमर के बाद बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए ना मेरे पास यहाँ पे है फिट मी का फाउंडेशन, ये वाला। एंड इसका जो शेड नंबर है 128 एंड ये शेड मुझे काफी ज्यादा शूट करता है। एंड मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है क्योंकि हम डेली बेसिस वाला जो मेकअप होता है ना लाइक अब जो डेली एवरीडे बेसिस पे क्रिएट कर सकूं वो वाला लुक क्रिएट कर रहा है। तो बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन इस तरीके से मैं अप्लाई करूंगी। एंड नेक को भी आप हमेशा कवर कर लिया करो जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो, अदरवाइज आपकी नेक की एंड फेस की स्किन ना मैच नहीं करती तो कोई भी आपको ना यू में पकड़ लेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से मैंने डॉट डॉट कर लिया एंड थोड़ा सा मैं एज अ कंसीलर भी उसको अप्लाई करूंगी। आज की वीडियो में मैं कोई भी कंसीलर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले ना ब्रश को इस तरीके से सेटिंग स्प्रे से हल्का सा वेट कर लिया है मैंने, इससे मेरा मेकअप भी फिक्स हो जाएगा, आई मीन फाउंडेशन भी अच्छे से फिक्स हो जाएगा एंड ब्लेंड भी हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी ना कि आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, या तो कंसीलर या फाउंडेशन। अगर आप डेली वाला मेकअप कर रहे हो तो कुछ लोगों को ना फाउंडेशन एवरी डे बेसिस पे नीड नहीं होती है, उनको सिर्फ कंसीलर से उनका काम हो जाता है। एंड या फिर आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, कंसीलर स्किप कर सकते हो। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है ना देन आप दोनों भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही यूज करना है। इस तरीके से आपको नेक को भी अच्छे से कवर करना है एंड यहाँ पे ना ये फाउंडेशन बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है। तरीके से मैं इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है एंड आप देख सकते हो इसने काफी अच्छी खासी कवरेज मुझे प्रोवाइड किया है, मुझे यहाँ पे कोई भी कंसीलर की नीड नहीं है। एंड इसके बाद ना मैं लूज पाउडर से अपना मेकअप सेट करूंगी। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, बट मुझे ना लाइक स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम फेस पे थोड़ी सी ज्यादा होती है तो इसलिए ना बेकिंग नहीं सॉरी, अगर आप लूज पाउडर से अपना मेकअप सेट कर लोगे तो इससे मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड फॉर द लूज पाउडर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का लूज पाउडर, काफी अच्छा है एंड बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप कोई कम बजट में लूज पाउडर लेना चाहते हो तो आप इसका ट्राई कर सकते हो, मार्स का ट्राई कर सकते हो, इनफैक्ट ब्लू हेवन का भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा होता है।
ओके सो मेरा पूरा मेकअप अच्छे से सेट हो चुका है. ओके सो इसके बाद मैं आई मेकअप करने वाली हूँ एंड इसके लिए ना मैं ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ, मॉर्फी का जैकलिन हिट पैलेट. इसका रीजन क्यों है कि मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, बिकॉज अगर आपके पास कोई एक आई शेडो पैलेट है उसमें इतने सारे कलर है ना, तो आप उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हो एज अ ब्लश, एज अ कॉन्टोर एंड आप आई मेकअप तो उसे कर ही सकते हो, ब्राउज को भी फिल कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं ब्राउज फिल करती हूँ, बट ब्राउज फिल करने के लिए ना मैं ये ही यूज करूंगी, ये ब्लू हेवन का इनहेंसर एंड अभी मुझे ना ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. सो इस तरीके से मैं अपनी ब्राउज को इससे फिल कर लूंगी. चलो फिर आज आईब्रोज फिल करते करते मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, पता है आज तक मैंने कभी अपनी आईब्रोज नहीं बनवाई है, इसलिए मैं आपको ना थोड़ी बहुत मेरी आईब्रोज अजीब सी लग सकती है क्योंकि मैंने कभी नहीं बनवाया, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी थ्रेडिंग कराने की क्योंकि यार बहुत पेन होता है एंड कभी वैक्सिंग भी नहीं कराया एंड वो प्लकर से भी बहुत लोग बनाते हैं ना, मैंने कभी भी आज तक अपनी आईब्रोज नहीं बनवाई है एंड मम्मी भी मेरी बोलती है कि रहने दो अभी कोई नीड नहीं है, क्योंकि मेरी जो ब्राउज है ना इनका सेप बहुत ज्यादा लाइक बहुत बुरा नहीं है कि मुझे बनवाने की नीड पड़े, मेरा काम चल जाता है. अगर मैं अच्छे से इसको फिल करके सेट कर लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि आईब्रोज लाइक बनी हुई है एंड सब बोलते हैं मुझसे कि तुम अपनी आईब्रोज बनवाती हो बट यार सीरियसली मैं अपनी आईब्रोज कभी नहीं बनवाई हूँ अभी तक, तो मैंने कभी नहीं एंड मैं जब फर्स्ट टाइम बनवाऊंगी ना तो मैं पक्का से आई प्रॉमिस मैं आपके साथ वो वीडियो जरूर शेयर करूंगी, जिससे भी बनवाऊ लाइक थ्रेडिंग वैक्सिंग जो भी करवाऊ आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. तो मैंने अभी तक कभी अपनी ब्राउज नहीं बनवाई. ओके सो हो गया ब्राउज फिल हो गई, इसके बाद मैं आई मेकअप करने वाली हूँ. तो सबसे पहले ना मैं इसी में से बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल सा शेड लूंगी, आई मीन बहुत ज्यादा न्यूट सा शेड एंड आई मेकअप अगर ब्लैक ड्रेस के साथ थोड़ा सा लाइट रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा. सो मैं कौन सा शेड पिक कर रही हूँ, आई थिंक ये वाला शेड. ओके तो इसको मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया एंड इस तरीके से जस्ट मैं एज अ ट्रांजिशन इसको ब्लेंड करूंगी. तो सिंपली मैं इस तरीके से इसको पहले ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो. ओके तो सेम मैं इस आईज में भी कर लूंगी. सो यहाँ पे मैंने ये शेड अच्छे से ब्लेंड कर लिया, मैं ना ये वाला शेड ले रही हूँ और इसको ना मैं पूरे आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी जितना भी एरिया बचा है ना, क्योंकि मैं बहुत ही लाइट आई मेकअप करने वाली हूँ. सी दिस, इस तरीके से वो थोड़ा सा फॉल आउट हो गया, कोई नहीं मैं इसको लूज पाउडर से अभी शेड कर लूंगी. इस तरीके से ना मैंने पूरी आईज पे इसको पूरे आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड सी दिस, यहाँ पे ये जो बच गया था ना इस तरीके से, तो मेरा जो मेकअप होने वाला है एक तरीके से वो ब्राउन मेकअप होने वाला है. इस पैलेट का जो आई शेडो वाला शेड है सारा ना, ये बहुत ही पिगमेंटेशन इसकी काफी अच्छी है, साथ ही साथ ना ये बहुत ही पाउडरी है तो ये बहुत अच्छे से आईज पे अप्लाई हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. सी दिस, बहुत ही सिंपल सा मैंने आई मेकअप किया है सिर्फ दो शेड पिक करके, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे अगर आप आई मेकअप करोगे. ओके सो ये हो गया एंड इसके बाद ना लोअर लैश लाइन को भी फिल करना बहुत जरूरी है, बिना उसके भी आपका आई मेकअप जो है ना वो बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है. तो मैं सेम ब्राउन शेड लेके अच्छे से लोअर लैश लाइन पे स्मच कर लूंगी. मैं ना जल्दी इस तरीके से बोल के वीडियोस नहीं बनाती, दो रीजन होता है इसके पीछे, एक तो मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है एंड सेकंड ना सब इतना शोर करते हैं ना वो भी आवाज आती रहती है एंड बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, भाई एंड मम्मी पता नहीं क्या चिल्ला रहे हैं यार. तो वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत ईजिली हो जाता है एंड अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्मच कर लिया. ओके तो इसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज कर रही हूँ, अप्लाई करने वाली हूँ एंड इसके लिए ना मैंने लक्मी का ये स्केच आईलाइनर यूज किया है एंड ये यार ना जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस नहीं बनाती थी उस टाइम पे मैं इसको बहुत यूज करती थी, ये दूसरा है यार, क्योंकि ये ना जब हम बिगनर्स होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प करता है. मैंने आई मेकअप थोड़ा सा ज्यादा लाइट रखा हुआ है, न्यूट्रल रखा हुआ है, तो मैंने हल्का सा विंग क्रिएट कर लिया है एंड सेम मैं इस आईज पे भी कर लूंगी. ओके सो यहाँ पे आईलाइनर डन है एंड अब मैं कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ इसी शेड से, ये वाला शेड लेके. वाव यार अभी ना मेरे पास आइसक्रीम आ गई और मैंने सोचा पहले खा ही लेती हूँ. ओके सो कॉन्टोरिंग हो गई है एंड बहुत ही परफेक्ट शेड था यार ये कॉन्टोरिंग के लिए. ओके तो नोज की भी कॉन्टोरिंग करनी है तो उसके लिए ना मैं इस तरीके से हल्का सा ऐसे करके कर लूंगी एंड ये बहुत ही परफेक्ट हैक है, देख सकते हो आप कितनी बढ़िया कॉन्टोरिंग हो गई सेकेंड्स में.
इसके बाद क्या करना है, ब्लश। हाँ, ब्लश के लिए भी मैं इसी पैलेट से ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ। एंड ब्रश मेरा कहाँ गया, हाँ। एंड ब्लश के लिए आई थिंक मुझे कौन सा शेड पिक करना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा न्यूट सा ही ब्लश चाहिए था। चलो ये दोनों शेड आई थिंक ब्लश के लिए परफेक्ट है, बट फिर भी मैं क्या करूंगी पता है, ये वाला शेड एंड इसके साथ साथ एक न्यूट शेड, दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूंगी ताकि परफेक्ट वाला शेड बने। ज्यादा डार्क ब्लश नहीं चाहिए मुझे। वाओ, सी दिस। ओके, सो हो गया ये ब्लश का मेकअप। ना मुझे न्यूड वाला बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड अब बारी आती है हाइलाइटर एंड लिपस्टिक, दो चीजें बच गई हैं। बट यार मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं की एंड वो था मेरा मस्कारा। उसके बिना मेकअप कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि फॉल्स आई लैसेस तो मैंने अप्लाई की नहीं। तो सबसे पहले लैसेस को इस तरीके से कर्ल कर लेते हैं। यार ये वीडियो ना मुझे लग रहा है थोड़ी सी लंबी हो ही जाएगी, थोड़ी सी क्या बहुत, बट कोई नहीं, आप देख लेना ठीक है, वीडियोस देख लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। चलो अच्छा हो गया। एंड फटाफट से मैं मस्कारा भी अप्लाई कर लेती हूँ। एंड अगर मैं वॉइस ओवर वाला बनाती ना तो अब तक कब का मेरा वीडियो खत्म हो गया होता एंड टाटा बाय बाय करके मैं निकल गई होती। बट इस तरीके से बोल के बनाने में ना बहुत लंबी हो जाती वीडियो। एंड आपको मस्कारा के बाद आईज में डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा, सी दिस। चलो फिर इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो हो गया। एंड थोड़ा सा लोअर लैसेस पे भी मस्कारा अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ओके, डन। एंड इसके बाद ना मैं हाइलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ। हाइलाइटर मैंने कहाँ रख दिया, ओके। तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाला हाइलाइटर है ये। एंड अभी क्या है ना कि मैं अपने पास में हाइलाइटर वाला ब्रश लेके बैठी नहीं हूँ। कोई नहीं, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करूंगी एंड इससे तो और अच्छे से अप्लाई होगा, क्योंकि आप ना जब ब्यूटी ब्लेंडर से हाइलाइटर अप्लाई करते हो तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड ऐसा लगता है कि ना कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है। इस तरीके से देखो, मेरे पास कितने भी हाइलाइटर आ जाए बट इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। बहुत सारे हाइलाइटर मैंने रखे हैं, टू बी ऑनेस्ट 4-5 हाइलाइटर मेरे पास पड़े हुए हैं, बट ना मुझे इस हाइलाइटर के बिना ना मेरा मेकअप ऐसा लगता है इनकम्प्लीट ही है, पता नहीं क्यों। चलो अच्छा, फटाफट से हो गया हाइलाइटर भी। आज ना मतलब मैं ऐसे कोई सोच के नहीं बैठी थी वीडियो का टाइटल वगैरह कि मुझे कौन सी वीडियोस बनानी है, ऐसे मेकअप करना, ये वो कुछ भी नहीं। जस्ट मैंने ये वाली कुर्ती वियर की तो मैंने कहा कि आज मैं आपको ब्लैक ड्रेस के साथ मेकअप बताती हूँ, लाइक एवरीडे मेकअप जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। इनर कॉर्नर को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। परफेक्ट, अभी मेकअप बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। एंड लास्ट में अब बारी आती है लिपस्टिक की, बट लिपस्टिक से पहले मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लेती हूँ। एंड अभी मैंने न्यू परचेस किया है ये, इसका कैप नहीं मिल रहा है, न्यू परचेस किया है मैंने ना ये मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर सीरीज, एंड ये काफी अच्छा है, तो इससे मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर लेती हूँ। फ्रेग्रेंस इसकी काफी अच्छी है। ओके, सो अभी बारी आती है लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक के लिए भी मैं ना ब्राउन लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ, ये वाली। ये है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक एंड इसकी मैट पैकेजिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम हुडा ब्यूटी के लिपस्टिक के जैसे। एंड सी द शेड, परफेक्ट शेड है ना। ओके, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। चलो अच्छा ठीक है, हो गया मेरा मेकअप डन। एंड थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं एंड इयर रिंग जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास ना यहाँ पे ये वाली इयर रिंग है एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से सूट करेगा, क्योंकि मेरे ड्रेस में थोड़ा सा रेड भी है एंड नीचे बॉर्डर भी इसका रेड है, तो इस ड्रेस के साथ ये बहुत ही अच्छे से, आप ब्लैक ड्रेस के साथ कोई भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वियर कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं पहन लेती हूँ। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूरी सीखा होगा, लाइक मेकअप में कुछ स्टेप तो आपने जरूरी सीखे होंगे।
ओके सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है। ओके सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।